अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुसद्दिक नवाज़। आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने कोविड-19 की वजह से तैयारी नहीं की या बिल्कुल भी कह रहे नहीं की। उन स्टूडेंट के लिए हमने एक गेस्ट पेपर तैयार किया है जो कि उनके लिए उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उनके अलावा जिन स्टूडेंट ने तैयारी की है वो भी एक मरतबा इन्हें रीड कर लें तो उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि इंशाल्लाह ये जो गेस्ट पेपर हमने तैयार किया है ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें हमने एक्सरसाइजों के वो क्वेश्चन उठाए हैं जो 5 साल में अक्सर रिपीट होते रहते हैं और इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा जिन स्टूडेंट ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की या थोड़ी बहुत तैयारी की है तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पेपर एग्ज़ाम में जाने से पहले एक मरतबा इन्हें ज़रूर रीड करके जाइएगा। कम से कम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक मरतबा ज़रूर कर लीजिएगा, इससे इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो चलें आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप अपनी बुक पर निशान लगा लीजिएगा। मैं अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलता हूँ, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो सबसे पहले आप इस चैनल पर देख सकते हैं। तो मैंने एफएससी पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने कुछ टाइप किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। एफएससी पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं जी, लाहौर बोर्ड, सियाईवाल बोर्ड, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी बोर्ड, तमाम बोर्ड के डीजी खान के भी इसमें शामिल है। तो ये तमाम बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए एफएससी पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट 11वीं क्लास का मैथमेटिक्स का गेस्ट पेपर बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। इसमें तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल हैं। यूनिट नंबर 1 में एक्सरसाइज नंबर 1.1 को क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 शामिल है। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट शामिल है और 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट शामिल है और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट शामिल है। ये हैं बस 3-4 क्वेश्चन जो हैं फर्स्ट चैप्टर के। और अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के सेट फंक्शन एंड ग्रुप्स की। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज पॉइंट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है और डिफाइन ग्रुप, इसके बाद ये डेफिनेशन है। और इसके अलावा यहाँ पे 2.8 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 9 और 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट और डिफाइन द फैक्टर एंड एलिमेंट। एक्सरसाइज नंबर है 3.3 और क्वेश्चन नंबर है 6, पार्ट नंबर है 3 और इसी तरह है एक्सरसाइज 3.3 का ही क्वेश्चन नंबर 3 और 5, पार्ट नंबर 3, 4 और 9 और इसी तरह है जी, सॉरी 11 और इसी तरह है 1, 3, 5 और 7। अब इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 8 भी शामिल है, क्वेश्चन नंबर 9, ये एक्सरसाइज 3.3 है, क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 17 और उसके बाद है एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 8 और उसके अलावा ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ग्रामर रूल के 3.4 का क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2 और 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का भी पार्ट 1 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 3 भी ग्रामर रूल की इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल तकरीबन बोर्ड के पेपर में आती है। तो उसके अलावा जी यूनिट नंबर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका नाम है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 एग्जांपल नंबर 6 पेज भी यहां पे मेंशन किया हुआ है और एग्जांपल नंबर 4 पेज यहां पे मेंशन किया हुआ है, वो ज़रा नज़र नहीं आ रहा, इस तरफ आ गया है 145 पेज पे एग्जांपल नंबर 4 इन था इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 10, 14 और 24 ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके अलावा 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 12 और उसके अलावा 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट और तीसरा पार्ट, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 और 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट और उसके अलावा 4.5 का क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद है 4.5 एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 16 4.6 का है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1-2 पार्ट और 4.7 का क्वेश्चन नंबर 5 और 8, 4.7 का ही क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट और 4.8 का क्वेश्चन 5, 4.9 का क्वेश्चन 5 और 8, 4.10 का क्वेश्चन नंबर 5। तो ये भी दोबारा रिपीट हुए हैं क्वेश्चन नंबर। उसके अलावा बाद है यूनिट नंबर 5 पार्सल फ्रैक्शन, इसमें से एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है। सबसे पहले एक्सरसाइज
5.1 है डिफाइन पार्सल फ्रैक्शन, ये डेफिनेशन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट डिफाइन आइडेंटिटी गिवन एग्जांपल, डिफाइन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फंक्शन, इंतहाई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। उसके बाद 5.1 का क्वेश्चन नंबर 10 इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इन चार क्वेश्चन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है, ये आप नोट कर लीजिएगा। उसके अलावा यूनिट नंबर 6 जिसको कहते हैं सीक्वेंट एंड सीरीज, इसकी पहली दो तीन एक्सरसाइज में तो हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं, यहाँ पे इसने मेंशन किया और 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड एग्जाम्पल 1, और 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और इसका पार्ट 1, 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1, और उसके अलावा यहाँ पे इसने कुछ बताया हुआ है, इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 1 एंड 8, यहाँ पे इसने क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, ये दो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक्सरसाइज 6.8 जिसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.8 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट 2, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, ये है एक्सरसाइज 6.10 का, और इसी तरह 6.11 का 11 क्वेश्चन और 12। उसके बाद आ जाता है यूनिट नंबर 7 जो कि अक्सर नहीं करवाया जाता, परमोटेशन कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी का ये चैप्टर है, इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके 7.1 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 और क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 और क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, ये है 7.2 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर भी यहाँ पे मेंशन है, और 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 और क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 7, एग्जाम्पल भी एक साथ शामिल है, ये आप एग्जाम्पल नंबर 3 देख सकते हैं और पेज भी मेंशन है। और इसके अलावा यहाँ पे 7.4 का है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी डेंजरस ऑफ द साइड्स फिगर, क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन प्रोबेबिलिटी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द सैंपल स्पेस एंड इवेंट, इंतहा इंपॉर्टेंट है, 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 7.7 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल है जी पेज नंबर 258 पे। उसके बाद है जी यूनिट नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम, स्टेट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इंतहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 और 2 क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1, ये एक्सरसाइज 8.2 है। इसके बाद एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 4 और 5 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। उसके अलावा है जी यूनिट नंबर 9 जिसे ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का और यहाँ पे यूनिट नंबर 9 है द फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे 9.1 इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड एग्जाम्पल 4, क्वेश्चन 5 प्रूव एनी टू ऑफ द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, अल्फा बीटा जिसे बोलते हैं, वो कह रहा है जी डिफाइन करें जी एनी वन। और उसके बाद 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 और 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2, ये गिनती के बस थोड़े थोड़े एक एक चैप्टर के बस 10-15 से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, तो आप इन्हें लाजमी देख लीजिएगा। उसके बाद जी चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का है, एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट है इसका 3, 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 एंड 2, 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 10.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। इसी तरह है जी यूनिट नंबर 11 है जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ, ये अक्सर करवाया नहीं जाता वैसे भी, तो इसका बस आप देख लीजिएगा फिर भी, ये क्वेश्चन 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 15, तीन क्वेश्चन है जी पूरे चैप्टर में से, इंतहा इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा है यूनिट नंबर 12 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसकी एक्सरसाइज है 12.4 और क्वेश्चन नंबर है 1, क्वेश्चन नंबर 3, 12.7 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 और क्वेश्चन 4। उसके अलावा जी इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इंतहा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये है 13.1 क्वेश्चन नंबर 2 और का 3 पार्ट और 30.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास 13, ये भी वही चैप्टर है, इसके बाद आ जाता है एंड वाला चैप्टर जिसे कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, डिफाइन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की डेफिनेशन आपने डिफाइन करनी है, इंतहा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एग्जांपल नंबर 3 और इसके अलावा पार्ट 1 और पार्ट
टू इसका। क्वेश्चन नंबर वन का पार्ट वन टू थ्री फोर और क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट थ्री थे। ये थे जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इन्हें एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे।